सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, हमारा बैग हो चुका है पैक और अभी हम निकलने वाले हैं अमृतसर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा अकोमोडेशन रहा, रुकने की व्यवस्था रही, कहाँ कहाँ हमने घूमा, कौन सी हमारी ट्रेन है, कितना हमारा फेयर लगा, या कितने बजट में आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं, और खासकर जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, वो सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्लॉग और टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और क्लियर कर दूं, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे पहले भी हम व्लॉगिंग कर चुके हैं, वैष्णो देवी के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, और ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा अमृतसर के टूर पे। तो चले दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन है लगभग 9:30 बजे की, और अभी हम घर से निकल रहे हैं। बैग हो चुका है पैक और बैग लेकर अभी हम घर से निकलते हैं स्टेशन की तरफ। 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है, आपको मिलते हैं हम स्टेशन पे। तब तक के लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो फाइनली गाइज, अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं अपने, और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन दिल्ली पठानकोट स्पेशल एक्सप्रेस अभी आने वाली है 9:30 बजे, और मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको मैं अमृतसर में आप सभी से मिलवाऊंगा। और हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या अकोमोडेशन रहने वाला है हमारा, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, सारा आपको बताएंगे। कितने बजट में आप ये टूर प्लान कर सकते हैं वो भी बताएंगे, और ख़ासकर जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी दी है सब कुछ बताएंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं हम आपको ट्रेन में, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। ओके, तो फाइनली गाइज, अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, सीट हमने ले ली है अपनी, C1 में है हमारी। 35, 36, 37, 38, 39 पांच लोग हैं हम, तो सब अलग अलग बैठे हैं थोड़ा। और बाकी अभी हम करनाल पहुंच चुके हैं, ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट चल रही है यहाँ पे, और हम आपको पूरी वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें, हम आपको बहुत कुछ आगे दिखाने वाले हैं, कहाँ हमारा अकोमोडेशन है, कहाँ हम रुक रहे हैं, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जहाँ पे हम रुकने वाले हैं वहाँ के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, कितना वहाँ का फेयर लगा हमारा, और ब्लाइंड के लिए तो वहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है ऊपर नीचे जाने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। और गोल्डन टेंपल में विजुअल इम्पेयर्ड के लिए क्या क्या फैसिलिटी है वो सारी आपको बताएंगे। दुर्गाना टेम्पल भी जाएंगे, और काफ़ी चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम अपनी जर्नी कर रहे हैं, और हम आपको मिलते हैं अगले किसी स्टेशन पे, या तो फिर हम आपको मिलते हैं डायरेक्टली अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। बस आपने वीडियो में बने रहना, ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें और घर बैठे श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन भी कर सकें। और कमेंट में लिख दीजिएगा सतनाम श्री वाहेगुरु। तो फाइनली गाइस, अभी हम लुधियाना जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है हमारी, अभी हम लुधियाना पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमारी गाड़ी 10 मिनट रुकेगी। यहाँ से 2 स्टेशन और दूर है अमृतसर, तो हम आपको अमृतसर पहुँच के मिलते हैं। अभी हम थोड़ा खाना वाना खाएँगे यहाँ पे, अमृतसर स्टेशन पे जाके आपको मिलते हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, तो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं हम आपको आगे, लेट्स सी। तो फाइनली गाइस, अभी हम अमृतसर जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ट्रेन हमारी खड़ी है, अभी अमृतसर जंक्शन आ चुका है। अभी यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे, देखते हैं टेम्पो मिलता है या ई रिक्शा मिलता है, उसका जितना भी फेयर होगा। अभी हम अपने होटल पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फ्रेश अप वगैरह करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हमारा जो भी होगा आगे का हम बताएंगे आपको। आपने वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फैमिली मेरे साथ है, जैन साहब है यहाँ पे, जैन साहब हाय कीजिए सबको एक बार। हाय, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। मेरी फैमिली है सारे, आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आपको सीधा होटल पे मिलते हैं, तो लेट्स सी स्टार्ट। तो फाइनली गाइज, हमने ऑटो कर लिया यहाँ पे, और हमारा जो ऑटो का फेयर पड़ा है वो लगभग 200 के समथिंग पड़ा है, और ये हमें डायरेक्ट हमारे होटल पे छोड़ देगा। तो अभी हम ऑटो पे बैठ चुके हैं, और हम अभी रूम पे जा रहे हैं, अपना रूम का चेकिंग करेंगे,
उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होएंगे, खाना वाना खा के फिर आगे की जो हमारी प्लानिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे दर्शन हम यहाँ पे आज कराने वाले हैं। बस आपने वीडियो में बने रहना, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी। तो वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज हम गोल्डन टेम्पल, उसके अलावा और बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे आपको रुकना चाहिए। जैसे हम अपने रूम में जाएंगे वहाँ का पूरा इंटरफेस दिखाएंगे, क्या क्या फैसिलिटी है वो भी दिखाएंगे। तो बने रहें वीडियो में और जुड़े रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फाइनली गाइज अभी हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं और रूम में हमने एंट्री कर ली है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे रुकने के लिए आपको किन किन प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा और किन किन प्रोसेस को अपना के आप यहां पे रूम ले सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि रूम कितना अच्छा है, यहां पे डबल बेड है दो। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा अच्छे से बेड दिखाएं आपको। तो आप देख सकते हैं दो डबल बेड है यहां पे और एसी लगा हुआ है, सामने दो चेयर है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि यहां पे इस रूम में अगर आपकी एक पूरी फैमिली है उसमें चार से पांच जने भी हैं तो बहुत ही आराम से रुक सकते हैं। और दोस्तों इतनी कम कॉस्ट में ये रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो केवल और केवल 700 रुपये में हमारा ये रूम यहाँ पे हुआ है। तो आप यहाँ पे दोस्तों रुक सकते हैं, ठीक है। अभी हम ऑटो से आए और हमने नीचे एंट्री कराई, तो जहाँ पे हम रुके हैं इसका नाम है प्रीतमपुरा निवास, नज़दीक है इसके मन्ना चौक प्रीतमपुरा निवास। इस रूम की बुकिंग ऑनलाइन होती है, व्हाट्सएप के थ्रू होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको रूम की बुकिंग करानी है, अन्यथा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अबाउट पेज में मेल मैंने दिया हुआ है, ठीक है, अपना ईमेल आईडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट कितना नीट एंड क्लीन है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सामने देखिए टॉयलेट कितना क्लीन है, वॉश बेसिन है सामने, इंग्लिश सीट है यहाँ पे। और उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे नीचे रसोई बनी है, किचन बना हुआ है, वहाँ पे आप चाय का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही स्वाद चाय मिलती है यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पे आप बैठ के अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, टेबल है, कुर्सी है, यदि आप लैपटॉप लेके आते हैं तो, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है इस रूम का, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे तैयार होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे नीचे होटल पे, नीचे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो गोल्डन टेम्पल हो गया, दुर्गियाना टेम्पल हो गया, गोविंदगढ़ हो गया, जहाँ जहाँ पे भी हम घूमेंगे आपको पूरा वहाँ पे निरीक्षण कराएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप घूम सकते हैं। तो आपने वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है सतनाम श्री वाहेगुरु, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी तक भी नहीं किया है तो, ठीक है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम विजुअली इंपेयर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं, अन्यथा नॉर्मल लोग तो इसे देख ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों लेट्स सी, मिलते हैं थोड़ी देर में, हम तैयार शेयर होते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने रूम से गुरुद्वारे की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे हम रुके थे उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो अभी हम गुरुद्वारे के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पास में आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएंगे, यहाँ पे जूता घर है, यानी आप अपनी चप्पल वगैरह जमा करा सकते हैं। उसके बाद अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, अंदर का भी व्यू आपको पूरा दिखाएंगे, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। जैन साहब मज़ा आ रहा है? बिल्कुल इंजॉय हो रहा है ना? हाँ। चलिए चलते हैं, आपको अंदर मिलते हैं, लेट्स सी। तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी भीड़ है यहाँ पे और कितनी रौनकें लगी हुई हैं। बहुत अच्छा शब्द चल रहा है गुरु जी का यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है, आप देख सकते हैं सामने लोगों की भीड़। आज संडे का दिन है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और हमने दर्शन कर लिए हैं। अगर आप ब्लाइंड हैं और आपके साथ कोई एस्कॉर्ट है तो आप यहाँ के सेवादार से मिल सकते हैं, वो आपको बिना लाइन में डायरेक्ट आगे निकाल देंगे वीआईपी गेट से। हमारी वीआईपी एंट्री हुई थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के। तो अभी और मैं आगे का व्यू दिखाऊंगा आपको, तालाब का व्यू दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम दर्शन करके निकले, यहाँ से कड़ाह का प्रसाद मिला, जो हलवा होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, वो उसे ज़रूर लीजिएगा आप, गुरुजी का प्रसाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, ये इतना बड़ा है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, गुरुद्वारा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज़ इस वीडियो को, और कमेंट में लिखिए सतनाम श्री वाहेगुरु।
सामने देख सकते हैं गुरुद्वारे का व्यू पूरा यहाँ से अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे आगे मिलता हूँ, आगे के व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे लंगर पॉइंट भी है, लंगर कैसे ले सकते हैं आप वो भी बताऊँगा। चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए सतनाम श्री वाहे गुरु। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसा कि गुरुद्वारे का नियम होता है कि बिना सर ढके आपको नहीं आना है, तो आपको अपने सर पे या तो रुमाल ढकना है या फिर आपको जो है रुमाल नहीं ढकते हैं तो यहाँ से एक कपड़ा मिल जाता है, वो सर पे ढकना है। अगर आप कपड़ा सर पे नहीं रखेंगे तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा अंदर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज, अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने के बाद हमने लंगर छका यहाँ पे, तो आप लोग भी लंगर छक सकते हैं गुरुद्वारे में, बहुत बढ़िया लंगर था। और उसके अलावा अभी हम गुरुद्वारे से बाहर निकले हैं, बाहर निकलते ही आपको इस साइड मार्केट ही मार्केट मिलेगी, तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे लेडीज़ का सामान हो जेंट्स का हो, हर प्रकार का आपको सामान मिलेगा, खाने पीने का सामान मिलेगा। कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा मार्केट का व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे शॉप्स हैं अलग अलग प्रकार की, और आप यहाँ कढ़ाई वाले दूध भी पी सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, ये भी 40 रुपीज़ का गिलास है। और बाकी अभी हम अपने रूम में चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना हमारा हो गया है, और उसके बाद जलियांवाला बाग और जो चीज़ें रह गई हैं वो आपको हम कवर ज़रूर कराएँगे। फिलहाल आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो लेट्स सी, चलते हैं रूम में और फिर वहाँ पे देखते हैं, हमारी शॉपिंग हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से। तो रात को हम दर्शन वर्शन करके यहाँ पे सो गए थे, काफी थक गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे हम रुके हैं, प्रीतमपुरा सराय इस जगह का नाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। और एक चीज़ बता दूँ, नीचे कैंटीन है, यहाँ पे आप चाय वगैरह का आनंद ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी बार चाय आप चाय पी सकते हैं यहाँ पे, चाय के साथ आप रस वगैरह आपको देंगे ये, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और ऊपर नीचे आने के लिए यहाँ पे लिफ्ट वगैरह बनी हुई है ब्लाइंड के लिए, और ब्रेल में भी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप बहुत इजीली एक्सेसिबल है मतलब पूरा, और आप ऊपर आकर अपना चाय वाय का आनंद भी ले सकते हैं। और हमारा सेकंड फ्लोर पे है, तो हम तो लिफ्ट से आए थे, लिफ्ट से जाए थे, ठीक है। तो नीचे एंट्री है, साबुन वाबुन चाहिए तो आप वहाँ से साबुन भी अपना ले सकते हैं। तो ये हमारा रूम है, अभी हम नीचे निकलते हैं, चाय पियेंगे, रेडी हो चुके हैं हम सारे, उसके बाद देखते हैं म्यूजियम और जलियांवाला बाग खुला है तो वहाँ के भी आपको व्यू जरूर दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स सी, मिलते हैं नीचे। तो गाइज अभी हम नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंटीन में बैठे हम। ये जो रूम है ना जहाँ पे आप रुकेंगे, उसके बिल्कुल नीचे ही आपको कैंटीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी चाय बोली थी, हमारे लिए चाय बन चुकी है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, टेबल कुर्सी आराम से बैठो, चाय और रस का आनंद लो, ठीक है। जैसी मर्जी चाय आप यहाँ पे पी सकते हैं, और आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, ऐसे हम आपसे उम्मीद करेंगे, प्रीतमपुरा सराय अमृतसर। तो चलिए अभी हम चाय पी के बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम आपको बाहर मिलते हैं। तो फाइनली गाइज, अभी हम बाहर की तरफ निकले हैं और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे आलू का पराठा है, दही है और अचार है और मक्खन लगा हुआ है उस पर। तो जैसे ही मतलब जहाँ पे हम रुके हैं, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो नीचे रिसेप्शन पे चाय है, चाय पी के थोड़ा बाहर को निकलेंगे तो राइट, बहुत पतली सी गली है थोड़ी, है ना, तो बाहर को निकलोगे तो राइट साइड में गेट आता है कैंटीन का। तो यहाँ पे आप आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा और मैगी लस्सी जो चाहे वो ले सकते हैं। आलू पराठा हमें यहाँ पे 40 रुपीज़ प्लेट पड़ी है, और प्लेट में दही अचार मक्खन पराठा है ना 40 रुपये की, गोभी पराठा भी 40 का है और पनीर पराठा 50 का है। तो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाहर को निकलेंगे और वहाँ पे आपको बाहर मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहें। तो फाइनली गाइज, अभी हम जलियांवाला बाग में आ चुके हैं। तो ये गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में आप किसी से पूछ भी सकते हैं। तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपको देशभक्ति गीत सुनने को मिलेंगे अंदर, जब आप आएंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि आप जलियांवाले बाग में आ चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे तो राइट साइड आपको यहाँ म्यूज़ियम मिलेगा ऊपर, यहाँ पे देखिए सामने स्क्रीन में वीडियो चल रही है। तो यहाँ पे इंडियन कल्चर के बारे में सारा बताया हुआ, जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी, जो शहीद हुए थे 19 समथिंग में, तो यहाँ पे सारा स्क्रीन पे दर्शाया हुआ है। और लोग यहाँ बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और फुली एयर कंडीशनर है ये, ठीक है।
यहाँ पे एसी फुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है यहाँ पे, उसमें दर्शाया जा रहा है जो स्ट्राइक या लड़ाई हुई थी वो कैसे हुई थी। और बाहर यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे गोलियों के निशान भी हैं जो यहाँ झगड़ा हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सिलेबस में ज़रूर पढ़ा होगा जलियांवाला बाग के बारे में, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ ज़रूर होके जाएँ। बट ये है कि ब्लाइंड के लिए तो कुछ देखने लायक तो नहीं है, बट फीलिंग एक हैप्पी हो जाती है। अगर आप साइटेड के साथ आ रहे हैं तो एक फीलिंग हैप्पी हो जाती है। सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे शो हो रहा है सारा कुछ यहाँ पे, है ना। तो आप आ सकते हैं। कल रात को हमने यहाँ पे गुरुद्वारे के दर्शन किए थे दरबार साहब के। अभी ये जलियांवाला बाग हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद भी देखते हैं हम। और जलियांवाला बाग है, इसके बाहर बिल्कुल मार्केट है। आपने शॉपिंग करनी है, आइसक्रीम खानी है या कुछ खाना है पीना है, तो बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप जब भी गुरुद्वारे आएँ तो जलियांवाला बाग ज़रूर आएँ, यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें और भी चीज़ आपको दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और आगे आए हैं, तो यहाँ पे ना छोटे 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 म्यूज़ियम बने हैं। और हर एक म्यूज़ियम में यहाँ पे आपको एसी थर्ड मतलब कि एयर कंडीशनर मिलेगा, पूरी ठंडक मिलेगी। सामने स्क्रीन देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो ब्लाइंड विजुअल इम्पेयर्ड आएंगे ना, उनके लिए यहाँ पे ऑडियो कमेंट्री सबसे बेस्ट है। मतलब कि ऑडियो में हर चीज़ आपको बताएंगे, जो भी युद्ध हुआ था स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं सामने, और वो ऑडियो में भी आपको सुनाई देगा, मेरे पीछे आप सुन भी सकते हैं ना। तो जैसे आप जलियांवाला बाग में आएंगे, दो दो कदम पे आपको छोटे 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 म्यूज़ियम मिल जाएंगे। कहीं पे लड़ाई का दिखाएंगे, कहीं पे जीत का, तो मतलब सारा ही सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने देख सकते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके अंदर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बाहर गार्डन भी है और छोटे 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 यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ और व्यू आएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल हम म्यूज़ियम पूरा ये अपना घूम रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाया गया है दोबारा, पहले ये सब नहीं था बट अभी बन चुका है। तो चले दोस्तों मिलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो यहाँ पे आप सभी अब गार्डन का व्यू देख रहे हैं, सामने देख सकते हैं पूरा गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे आप शाम के टाइम में आएंगे तो बहुत अच्छी सुहावनी नेचुरल हवा मिलेगी। अभी तो धूप है, सुबह का समय है। तो अभी हमने सारा म्यूज़ियम यहाँ पे विज़िट कर लिया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, भीड़ तो नॉर्मल सी होती है, बट मैं वही जगह एक्सप्लेन करूँगा जो स्पेशली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए काम की हो, अन्यथा ऐसी बहुत जगह है। यहाँ पे कुआं बना है जो लड़ाई हुई थी, जो बचने के लिए लोग जिसमें कूदे थे, वो गोलियों के निशान भी हैं, तो वो भी हमने देखे हैं। तो आई होप सो आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे। आप वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें, अगर आगे और कुछ व्यू मिलता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। बाकी आप वीडियो में बने रहें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम रूम से चेकआउट करके वहाँ से हमने ऑटो लिया, और ऑटो लेने के बाद अभी हम स्टेशन पे आ गए हैं। हमारे पीछे ट्रेन खड़ी है शान ए पंजाब एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से ही चलती है सुबह 6:40 पे, यहाँ 2:10 पे आ जाती है। अभी एक घंटा यहाँ पे सफाई हो रही है ट्रेन में, इसी ट्रेन में हमने वापस जाना है। C3 में हमारी सीट जो है रिजर्व है। हमारा टूर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप 100% ब्लाइंड हैं तो आप अकेले आने का प्रयास ना करें, प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप एस्कॉर्ट के साथ अच्छे से आ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए इन फ्यूचर जो वीडियो बनेगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको अबाउट पेज में मिल जाएंगे। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड या और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। तो आप अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये जो मेहनत की है ये आपके लाइक से ही सफल हो पाएगी। तो 100 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए नमस्कार।